ट्रैफिक पुलिस लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन के निकल रहे हैं उनको पुलिस रोक कर उनका चालान नहीं काट रही है बल्कि उनको वहां खड़ा करवा के खुद हेलमेट खरीदवा रही है। औरैया जिले की ट्रैफिक पुलिस ने एक नया जिम्मा उठाया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड पर पुलिस हेलमेट ना पहनने वाले चालकों का चालान काटने की बजाय उन्हें खुद खड़े होकर हेलमेट खरीदवा रही है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक इंचार्ज नरेश पांडे की इस पहल की जिले में काफी प्रशंसा भी हो रही है और लोग खुद आगे बढ़कर न सिर्फ हेलमेट लगाकर चलने का संकल्प लेते दिखाई दे रहे हैं बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं इस अनोखी पहल पर ट्रैफिक इंचार्ज शैलेश पांडे का कहना है कि जान की कीमत कभी अदा नहीं की जा सकती है, इसीलिए ज्यादातर बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों के साथ घटनाएं होती है। लोगों को प्रेरित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। यातायात माह पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और शासन की भी मंशा है कि सभी लोगों को जो भी बाइक चला रहा है हेलमेट पहनवाया जाए। हमारे कप्तान साहब का भी आदेश है कि इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करें, इस पर अभियान चलाया जाए। एक महीने का अभियान है, वैसे आगे भी चलता रहेगा। पीछे से भी जब से अभी ये सरकार बनी है बराबर जो है निर्देश आ रहे हैं उसमें कार्रवाई हो रही है। हम लोगों का मंशा ये है कि जो भी बाइक चला रहे हैं दुर्घटना में कोई बहुत बड़ी बात न होने पाए, हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम ये अभियान चला रहा हूँ, मैं सबके सामने विकल्प रख रहा हूँ कि यार हेलमेट लगाएं, हेलमेट नहीं है हेलमेट खरीद के मेरे सामने लगा के जाए ताकि उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई आपदा न हो। औरैया से अरुण बाजपाई की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।